पौड़ी में नाबालिग का अपहरण करने के लिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आए दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, दोनों युवक बीती शाम को 10 साल की नाबालिग के घर पहुंचे थे, लेकिन नाबालिग के परिजनों ने सूझबूझ दिखाकर दोनों युवकों को एक कमरे में बंद कर दिया और घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों के परिजनों की शिकायत पर जो है परिजनों की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपाधीक्षक प्रेम लाल टमटा ने बताया कि नाबालिग की बातचीत सोशल मीडिया के जरिए युवकों से हुई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर के दो युवक सुहेल और आयान युवती को बहला फुसला कर उसके साथ जो है गलत काम और अगवा करने के लिए पौड़ी पहुंचे थे। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। के मुजफ्फरनगर से आते, इनकी एक लड़की पौड़ी की थी, इससे इंस्टाग्राम पे जो है इनकी जो है मुलाकात फेसबुक पे हुई, और ये दोनों लड़के 10 तारीख को ये पौड़ी पहुँचे रात में, और इन्होंने लड़की के घर में आए और उसमें जो है घर वालों को पता लगा कि हमारे घर में दो लड़के मुजफ्फरनगर से आए, उन्होंने बंद किया और पुलिस को सूचना दी। इस आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जो है थाने ले गई और वहाँ इनको जो है आज इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया सुसंगत धाराओं में, और आज इनको जो है न्यायालय में पेश माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।